हेलो एवरीवन, आज बनाते हैं पुदीने वाली चाट्स। जिसके लिए हमने सबसे पहले लिया है फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ। कुछ पत्तियाँ दिखा रही हूँ मैं आपको, ये ली हैं। और सबसे पहले कुंडी के अंदर, या आप मिक्सी का यूज़ भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लिया है जीरा और नमक को अच्छे से रगड़ लिया है कुंडी के अंदर। और देखिए, और आप उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा 2 पिंच हींग। ये सबसे बेस्ट रहता है अगर जून में आप, या अप्रैल मई जून, ये 3 महीने हैं, इनके अंदर आप इसको पुदीने की वाली छाछ को पियोगे ना, तो लू और गर्मी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सबसे बेस्ट रहता है, डाइजेस्टिव है। और इसको देखिए, अच्छे से मैं कूट रही हूँ। आप मिक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप चाहे तो लहसुन भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। और देखिए, पेस्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसके बाद क्या करना है, फ्रेश ताज़ी दही ली है मैंने, और थोड़ी सी छाछ ली है, बिल्कुल ताज़ी छाछ। और देखिए, हमने थोड़ी सी इसमें लस्सी के अंदर थोड़ी सी दही को ऐड किया है, 2 से 3 बड़े चम्मच। और फिर इसको रई की सहायता से बिल्कुल देसी स्टाइल में बना रहे हैं। ये पेस्ट हमने 1/2 स्पून डाल दिया है इसके अंदर, और इसको रई की सहायता से इसे अच्छे से मथेंगे। और सबसे पहले मैंने भुना हुआ जीरा, ये रायते वाला मसाला है, इसके अंदर सूखा धनिया, पुदीना सूखा हुआ, काला नमक, नमक, हींग, जीरा रगड़ कर डाला हुआ ये पेस्ट वो है। और अब देखिए, मैंने रई की सहायता से इसे अच्छे बिलो लिया था, और फिर मैंने गिलास में आपको डाल के दिखा रही हूँ। ये छाछ इतनी टेस्टी लगती है, आप एक बार लोगे ना तो बार बार मांगोगे दिन में। इसे आप दिन में बच्चों को दें, बड़ों को दें, सबके लिए बहुत ही हेल्दी है। एंड ठंडी ठंडी लस्सी का स्वाद लें, और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसे आप खाने के साथ लें, चाय भी छोड़ दोगे आप अगर ये लेने लग जाओगे, आपके मुंह चढ़ गई, तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर एक बार बना के दें। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये मसाला छाछ, मसाला पुदीना छाछ बिल्कुल रेडी हो गई है, और ये शक्ति एंड मीज बॉक्स पे अवेलेबल है। देखिए, ये आपके लिए बहुत ही टेस्टी है, शानदार है, लजीज है, लाजवाब है ये लस्सी। देखने के लिए शुक्रिया। एक बार ट्राई करें और शेयर करें।